सरशमशीर से। आप इस वक्त मेरे साथ देख रहे हैं साई न्यूज 24/7 लाइव, सच की आवाज। आइए आपको रूबरू करवाते हैं कुछ अहम खास मुद्दों पर। बार काउंसिल द्वारा अधिवक्ता दंपति 5 वर्ष के लिए निलंबित, व्यवसायिक कदाचार के दोषी। प्रयागराज, उत्तर प्रदेश बार काउंसिल के डिसिप्लिनरी कमेटी द्वारा दंपति अधिवक्ता उच्च न्यायालय प्रयागराज नरेंद्र कुमार पांडेय एवं उनकी पत्नी सुधा पांडेय को उनके व्यवसायिक कदाचार में दोषी पाए जाने के कारण दंडित किया गया है। उत्तर प्रदेश बार काउंसिल के डिसिप्लिनरी कमेटी ने अपने आदेश 28 मार्च 2022 के द्वारा अधिवक्ता दंपति को 5 साल के लिए निलंबित किया है एवं इस दौरान उन्हें देश के किसी भी न्यायालय या न्यायपालिका के सम्मुख वकालत करने से वर्जित किया है। उनका नाम स्टेट रोल ऑफ एडवोकेट से 5 साल के लिए निलंबित करने का आदेश किया है। यह आदेश शिकायतकर्ता दा अरूप बैनर्जी के बार काउंसिल में शिकायत करने एवं लंबे समय तक डिसिप्लिनरी कमेटी के सम्मुख वाद के चलने के उपरांत पारित किया गया है। उक्त वकील दंपति दा अरूप बैनर्जी एवं उनके परिवार से जुड़े और बदनीयत से उनके वकील एवं सलाहकार बनकर उनसे विश्वासघात करते हुए उन्हें गलत विधिक परामर्श देते रहे, जिससे उनको काफी क्षति उठानी पड़ी। उनके मकान के गैरकानूनी कब्जेदार भी बन बैठे। उनके वकील होने के कारण उनके संपत्ति के कागजात का मकान हड़पने की नियत से दुरुपयोग करने लगे थे। बार काउंसिल का व्यवसायिक कदाचार के खिलाफ यह एक ठोस कदम है।